गयौँ कालिम्पोङमा पनि हाम्रो सेन्ट्रल कम्युनिकेसनमा बातचित भयो र त्यहाँ पनि हामीले जिटिएटूलाई एकदम त्यहाँको जनताले पनि जिटिएटूलाई एकदमै बिल्कुलै नस्वीकार्ने र अब आगामी यो 16 तारिकको बादमा चाहिँ हामी दार्जिलिङ खरसाङ कालिम्पोङमा चाहिँ विराट एउटा हामी मतलब सब डिभिजन लेभलको महकुमा लेभलको चाहिँ एउटा जनसभाको आयोजना गर्ने एउटा हामीले तिनैवटा ब्रान्च कमिटीले जिल्ला समितिले हामीले यो डिक्लेयर गरिसकेको छौँ र पहिला चाहिँ सर्वप्रथम चाहिँ हामी यो विषय लिएर जनतालाई शिक्षा अब जिटिए टू भनेर त शिक्षा धेरै पावरफुल व्यवस्था हो त्यो कारणले जिटिए टूलाई चाहिँ हामीले स्वीकार नगरेर सिक्स सेड्युललाई नै स्वीकार गरौँ किनभने गोर्खाल्यान्ड अलिकति टाढो छ गोर्खाल्यान्ड अहिले नै दिने उयो दिल्लीमा र केन्द्रले गोर्खाल्यान्डको लागि त सिधै मनाइ गर्दछ र हामीलाई सिक्स सेड्युल चाहिँ यस्तो यस्तो व्यवस्था हो र सिक्स सेड्युलमा यो खालको व्यवस्था छ यो खालको संविधान छ यो खालको उयो छ त्यो चाहिँ जनतालाई बुझाउनुको लागि चाहिँ हामी पहिला सर्वप्रथम दार्जिलिङ चोक बजारमा हामी जनसभा गर्न जाँदैछौँ त्यसपछि हामी खरसाङमा गर्दैथ्यौँ त्यहाँदेखि हामी कालिम्पोङमा गर्दैछौँ ताकि जनताले 6 अनुसूची र जिटिए टूमा चाहिँ कति भिन्नता छ कति फरक छ त्यो कुरा चाहिँ स्पष्ट रूपमा जनताले बुझ्न सकोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो उद्देश्य छ जस्तै हाम्रो पार्टीका ध्यान आयो कि मतलब 16 तारिकको जो जिटिए टू गोर्खाल्यान्ड और शिक्षा टू ये तीनों में कौन सा मतलब व्यवस्था दार्जिलिंग पहाड़ में मतलब ममता बनर्जी लागू करने के लिए जा रहे हैं लेकिन हमको ये क्वेश्चन है मतलब अगर जिटिए टू अगर लागू किया नहीं तो जिटिए टू से पावरफुल तो शिक्षा टू है उससे पावरफुल तो गोर्खाल्यान्ड है अगर इस तीनों में कोई एक भी अगर उसके मतलब संचालन करने के लिए वह तैयार है तो हमको हमारा कहना है कि मतलब उसमें जिटिए टू तो एकदम हमने विरोध किया अभी तक विरोध कर रहा हूँ विरोध करके रहूंगा हमारा पार्टी से विरोध एकदम विरोध है टोटल विरोध है इसीलिए मतलब जिटिए टू नहीं होना चाहिए पहाड़ में उससे बढ़ावा मतलब उससे पावरफुल सिक्स होना चाहिए नहीं तो गोर्खाल्यान्ड होना चाहिए अगर उस दिन जिटिए टू अगर ममता बनर्जी की तरफ से जिटिए टू लागू करने के लिए बोल दिया तो फिर हम लोग पहाड़ में गोर्खाल्यान्ड के लिए बहुत जोर जोर से मतलब आंदोलन करेंगे आज हमारा कार्यक्रम था मतलब दुधिया स्थित गोकुल से सीमाना तक ये नया बस्ती तक गोरामो में मतलब हरा झंडा मतलब फहरा दिया मतलब रास्ता के किनारे में लगा दिया वो लगाने का मतलब है हमारा कि मतलब आने वाले जो 16 अक्टूबर में जो मीटिंग होने जा रहे हैं उसमें ममता बनर्जी की तरफ से मतलब टोटली स्पष्टीकरण होना चाहिए पहाड़ में यूटी पहाड़ में सिक्स शेड्यूल और जीटीए टू और गोर्खाल्यान्ड ये तीनों में हमारा तरफ से कि सिक्स शेड्यूल होना चाहिए कि गोर्खाल्यान्ड होना चाहिए नहीं तो ये जीटीए टू का हम विरोध करेंगे ये नहीं होना चाहिए पहाड़ में अगर ये होगा तो पहाड़ में बहुत डेंजर आंदोलन आपने बोला गोर्खाल्यान्ड जीटीए टू और जो सिक्स शेड्यूल को बोला और यूटी यदि देगा तो आप क्या करेंगे यूटी देगा तो ठीक है यूटी भी हम कर लेंगे स्वीकार कर लेंगे लेकिन जीटीए टू नहीं कर लेंगे हम जी और जीटीए टू को ही कंटिन्यू किया तो विराट आंदोलन होगा जीटीए टू अगर राज्य सरकार के जीटीए टू अगर संचालन में लिया तो हम विरोध एकदम विरोध के मतलब आंदोलन करेंगे आंदोलन क्या के लिए होगा गोर्खाल्यान्ड के लिए होगा या सिक्स शेड्यूल के लिए हमारा आंदोलन गोरामो का आंदोलन गोर्खाल्यान्ड के लिए होगा सिक्स शेड्यूल के लिए होगा कि हमारा टीम वहां पे जाए सेंट्रल कमेटी का टीम वहां पे जाए और स्थायी समाधान के लिए बातचीत करे और वहां से प्रेशर करे कि केंद्र सरकार को भी वहां से प्रेशर करे उस मीटिंग से प्रेशर करे कि वहां पे त्रिपक्षीय वार्ता हो और यहां पे जो राजनीतिक समाधान के लिए जो राजनीतिक स्थायी समाधान है उसके लिए भी केंद्र सरकार को अपील करे और स्टेट गवर्नमेंट को और हमारा लीडरशिप वहां पे नहीं जाने से वो मीटिंग अटेंड नहीं करने से दार्जिलिंग पहाड़ के स्थायी समाधान का जो बात जो डायलॉग ओपन हुआ है वो बंद हो सकता है और वो लोग हाँ पहले जो जब जीटीए पर हमारा अध्यक्ष महोदय का नाम आया था वहां पे एक मेंबर के रूप में और उस समय हमारा केंद्रीय समिति एक मीटिंग करके उस मीटिंग को बायकॉट करने के लिए करने का एक वो किया था फैसला लिया हुआ था लेकिन हम लोग साथ है कि हम लोग अभी भी केंद्रीय समिति के लिए निवेदन कर रहे हैं कि वो जो मीटिंग हुआ था जो फैसला दिया हुआ था उस पर एक बार फिर अमल करें एक बार फिर सोचें और उस पर फिर एक बार री मीटिंग करके फिर एक टोली वहां पे एक टीम को भेज दिया जाए और हमारे दार्जिलिंग पहाड़ के स्थायी समाधान के लिए बात किया जाए इसलिए हम लोग यहां पे अभी प्रेस कर रहे हैं हमारा सेंट्रल कमेटी का जो टीम है वो उस मीटिंग पे अटेंड करें और उस मीटिंग पे अटेंड जीटीए के लिए नहीं
इस मीटिंग में अटेंड करके पहाड़ के स्थायी समाधान के लिए बातचीत करें। और इतने दिन से हो रहे यहाँ पे एजिटेशन जो 104 दिन बंद हुआ है और 11 लोग शहीद हुए हैं, उन लोगों को न्याय दिलाने के लिए सही तरीके से इस केस को मतलब उस एजिटेशन को न्याय दिलाने के लिए बातचीत करें। और जो भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को वो जल्द से जल्द उसने जो भी सोचा है स्थायी समाधान दार्जिलिंग पहाड़ के लिए, वो स्थायी समाधान क्या है वो जल्द से जल्द दार्जिलिंग पहाड़ के लोगों के सामने रख दें और उसमें खुली चर्चा करें।